पूर्वोत्तर रेलवे के विद्यालय बालक इंटर कॉलेज व बालिका इंटर कॉलेज के बंद होने की बात पर पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे के 3 विद्यालय चलते हैं, जिसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बालक इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज शामिल हैं। अब तीनों स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मर्ज किया जा रहा है और मर्जर होने के दौरान अभी कोई विद्यालय बंद नहीं हो रहा है। इसके साथ ही मर्जर के दौरान यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि उनका भविष्य बर्बाद हो, उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा, जिसका भरोसा छात्रों के गार्जियन को दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से दोनों स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मर्ज किया जाएगा। इस दौरान विद्यालय में नया एडमिशन नहीं लिया जाएगा जब तक कि दोनों विद्यालयों सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मर्जर ना हो जाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर रेलवे में मुख्यतः 3 विद्यालय चलते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बालक इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज। अभी इन तीनों स्कूलों को बेसिकली मर्ज करना है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। इस मर्जर के दौरान अभी कोई इस विद्यालय बंद नहीं हो रहा है और मर्जर के दौरान ये ध्यान रखा जाएगा कि जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा, यह भरोसा हम आपको दिलाते हैं। और समय के साथ फेज वाइज इसको चरणवार तरीके से इसको इन दोनों विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम लोग मर्ज करेंगे। सर, छात्रों का गार्जियन का कहना है कि अगले सत्र से एडमिशन नहीं होगा, अलग कहीं और एडमिशन कराने के लिए कहा गया। नए एडमिशन चूँकि हम लोग मर्ज कर रहे हैं इस विद्यालय को, व्यवस्थाओं को जो व्यवस्थाएँ उसको अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, जो अभी की व्यवस्था है, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इनको मर्ज करना है, इसलिए फ्रेश एडमिशन पर अभी हम लोग रोक लगाए हुए हैं।